फ्रेंड्स, आज हम सर्वेइंग सब्जेक्ट के एक टॉपिक कंटूरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि कंटूरिंग होता क्या है, इसका क्या यूज़ है, इसके कैसे हम कंटूरिंग करते हैं और क्या मेन मेन टॉपिक्स हैं कंटूरिंग में, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन हेडिंग्स को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो उन हेडिंग्स को पहले हम लोग देख लेते हैं। तो कंटूरिंग में क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, कि कंटूरिंग का इंट्रोडक्शन क्या होता है, बेसिकली कंटूरिंग के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ कंटूर्स, कि कंटूर्स का कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है और इसका क्यों यूज़ किया जाता है, ये देखेंगे। और फिर एक कंटूरिंग की या कंटूर की प्रॉपर परिभाषा क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि कंटूर इंटरवल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर लाइन, की कंटूर लाइंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या क्या हैं, और कंटूर के मेथड क्या क्या हैं, कंटूरिंग करने के किन मेथड्स के थ्रू हम कंटूरिंग करते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में होता क्या है कि हमारा कंटूरिंग में हम लोग करते हैं ये हैं कि किसी भी जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उसको जो है हम लोग मैप पे अगर ड्रॉ करना चाहें तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। अब पृथ्वी पे क्या प्रेजेंट है, पृथ्वी हमारी कैसी है, उसका शेप कैसा है, या पृथ्वी पे जो भी जिसको बोलते हैं अर्थ फीचर्स, अर्थ फीचर्स में मतलब कि हमारा जो अर्थ सरफेस है जिसमें दो तरीके के अर्थ फीचर्स होते हैं, एक मैन मेड एक नेचुरल। तो मैन मेड नेचुरल में जैसे कि हमारे नदियां हैं, नहरें हैं, सॉरी नदियां हैं, झीलें हैं, और जितने भी जो जंगल हैं या फॉरेस्ट है या इस तरह की जितने भी जो नेचुरली बनी हुई चीज़ें हैं ये, और मैन मेड में जैसे हमारे नहर, रोड, हाईवे, बिल्डिंग, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मैन मेड हैं। अब इनको हमको जो है अर्थ फीचर मैप पे ड्रॉ करना है। अब मैप पे इनको इनकी लोकेशन को इनके ऊंचाई के हिसाब से, मतलब इनके एलिवेशन के हिसाब से हमको कंटूरिंग में ड्रॉ करना होता है, ना कि हम लोग उनकी पिक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो अब सबसे पहले इनको ड्रॉ करने के लिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे, किसी जो हमारे मानचित्र पर हमारे या मैप्स पे हम हमारे जो अर्थ के फीचर्स हैं उनको जो है, या अर्थ का एलिवेशन है, अर्थ सरफेस का जो एलिवेशन है, जो या एलिवेशन में जो वेरिएशन है, जो पृथ्वी की सतह की ऊंचाई में जो भिन्नता है, क्योंकि हर जगह हमारी पृथ्वी एक समान ऊंचाई की तो होती नहीं है, तो इस ऊंचाई में जो भिन्नता है इसको हम लोग कैसे जो मैप पे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए जनरली दो मेथड होते हैं। अब वो दो मेथड कौन कौन से हैं, पहला मेथड ये है कि हम या तो उसको जो है ड्रॉ कर दें, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जो भी चीज़ें हैं उसको एज इट इज़ एक शीट पे या किसी भी प्लेन पेपर पे या मैप पे ड्रॉ कर दें, हम लोग उनका छायांकन कर दें। लेकिन ये इस मेथड से हम लोग उस जो जगह है या जो भी अर्थ फीचर हैं उसकी एग्जैक्ट एलिवेशन को जो है हम लोग नहीं बता सकते हैं, कि वो जैसे मान लो हमारा मीन सी लेवल से कितना ऊंचाई पे है ये हम नहीं बता सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, इसके लिए हम लोग दूसरा मेथड ये है कि हम लोग उस जगह की जो है मानचित्र को कंटूर लाइंस के थ्रू उस मैप को ड्रॉ कर सकते हैं। अब कंटूर लाइंस क्या होती हैं, कंटूर लाइंस एक इमेजिनरी लाइन होती हैं, यानी कि काल्पनिक रेखाएँ होती हैं जो समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाती हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये समान ऊंचाई के बिंदुओं कैसे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये एक हिल है, तो हिल पे यहाँ ये जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट से की जो हाइट है, अब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट बिंदु हैं, इसको मान लो चारों तरफ से हम लोग नापें, तो समान ऊंचाई के जो बिंदु होंगे यहाँ से जो नीचे से ग्राउंड सरफेस से, इसकी जो समान ऊंचाई के जो बिंदुओं को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होगी उसको बोलते हैं हम लोग कंटूर लाइंस। तो इससे हम लोग ये बता सकते हैं एग्जैक्टली
कि हमारे ये मीन सी लेवल से, यानी कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है ये बिंदु, हमारे ये जो कंटूर लाइन ड्रॉ की है, ये हमारे समुद्र तल से एक्स वाई जेड किसी भी ऊंचाई पे जो भी हमको उस जगह मिलेगी, उस ऊंचाई को हम लोग जो है पता कर सकते हैं या हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक ये दूसरा मेथड हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग कंटूर लाइंस के हेल्प से हम लोग मानचित्र पे अपने उस जगह के एलिवेशन को या अर्थ सरफेस के एलिवेशन को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होगा? तो कई सारे जो हमारे इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं या इंजीनियरिंग जितने भी वर्क होते हैं उन सब में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं? जैसे इंजीनियरिंग कार्यों में, जैसे कि जो हमारे रोड बनते हैं या कैनाल्स, नहरें, इन सब की सटीक लोकेशन या जो है कहाँ पे हमको इनको बनाना है, ये रोड हम कहाँ पे बना सकते हैं कि जिससे कि हमारा वो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी दे सके, और नहरें कहाँ पे बनाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे जो है इरिगेशन के लिए सुविधाएं मिल सके। तो इन सब के लिए हम लोग इन कंटूर्स का यूज़ करते हैं। और वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति के लिए, जल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और नदी प्रदूषण, जैसे कि जो हमारी नदियां हैं वो उसमें जो पॉल्यूशन हो रहा है उसकी समस्याओं को हल करने के लिए, तो जो है हमको अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हमको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमको किस, अगर उस जगह का एलिवेशन पता होगा तो हम जो ग्रेविटी के फ्लो की वजह से हम आसानी से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसका कंटूर लाइंस का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे कि जो हमारे डैम्स हैं या जलाशय, जो रिजर्वायर हैं या एक्वाडक्ट्स हैं या ट्रांसमिशन लाइन्स, इन सब की जो डिज़ाइनिंग करने में या इनकी प्लानिंग करने में कि कहाँ पे हम लोग इस किस तरफ से इनको जो ये बनाएंगे या कहाँ पे हम लोग इनकी डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी हम लोग कंटूर्स का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कि जैसे कोई भी नए इंडस्ट्रियल एरिया या में हम लोग इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसके लिए हम लोगों को लोकेशन फाइंड करनी होती है कि कहाँ पे हम लोग सही जगह यूज़ करके हम लोग उस जो इंडस्ट्री को हम लोग जैसे कि इंडस्ट्री के लिए लोकेशन फाइंड करने में इसमें हम लोग कंटूर्स का यूज़ करते हैं। और किसी भी दो स्टेशंस के बीच की जो इंटरविजिबिलिटी है इसको पता करने के लिए या इसका निर्धारण करने के लिए हम लोग कंटूर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट यूज़ है हमारा कि जैसे कि हमारा जो भी कोई भी कंट्री है या कोई भी देश है उसकी जो प्रोफाइल है कि उस देश का जो बाउंड्री किस देश से कनेक्ट लग रही है, किस तरफ से समुद्र से टच हो रही है, या कहाँ से हमको और सारी जैसे पोर्ट्स कहाँ पे बनाने हैं, इन सब की चीज़ों के कहाँ पे उन देश में हमारे हिल्स हैं या वैलीज हैं, इन सब का पता करने के लिए भी हम लोग इसका कंटूरिंग का यूज़ करते हैं। और किस जैसे कि कोई भी हमारा जलाशय बनाते हैं या कोई भी रिजर्वायर बनाते हैं तो उसके लिए कितनी हमको कटान करनी है या कितनी भरान करनी है, या उसकी जो है एस्टिमेशन, उसकी क्वांटिटी की कि कितना पानी आएगा उस रिजर्वायर में, उसका अनुमान लगाने के लिए, उसकी एस्टिमेशन करने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, कंटूरिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कंटूर की प्रॉपर डिफिनेशन क्या होती है। तो अ कंटूर मे बी डिफाइंड एज अ इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन द अर्थ सरफेस, कि समान ऊंचाई के बिंदुओं को अर्थ सरफेस पे हमारे जो भी समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाने वाली जो एक काल्पनिक रेखा होती है उसको हम बोलते हैं कंटूर लाइंस या कंटूरिंग। अब ये जैसे कि समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाती है तो इक्वल जो हमारा अर्थ सरफेस होगा वो कंटूर लाइंस हमेशा उस जो समान लाइंस को ही मिलाएंगे। इस वजह से जो अर्थ सरफेस का एलिवेशन होगा या लेवल होगा वो इक्वल लेवल पे ये इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कंटूर लाइंस एक मानचित्र पर जो रेखाओं की जो टोपोग्राफी है, जो हमारा अर्थ सरफेस की जो टोपोग्राफी है
उसको जो है अच्छे से जो है प्रदर्शित कर सकती है, इसलिए हम लोग कंटूर्स का यूज़ करते हैं। और जब हम लोग इन कंटूर लाइंस का पानी के अंदर यानी कि अंडर वाटर कंटूर लाइंस ड्रॉ करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो कंटूर लाइंस हैं हमारे जो अर्थ सरफेस के ऊपर की ही, यानी कि हमारे जो जितने अर्थ सरफेस के ऊपर जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उन्हीं को ही जो ड्रॉ करेंगे, उसी के लिए हम कंटूर लाइंस को ड्रॉ करते हैं। हम लोग कंटूर लाइंस को हमारे जो अर्थ सरफेस के नीचे यानी कि वाटर के नीचे या पानी के नीचे भी जितने जो चीज़ें हैं उनको भी पता करने के लिए या उनको भी ड्रॉ करने के लिए हम लोग इसको कंटूर लाइंस को यूज़ कर सकते हैं। तो पानी के नीचे जो हम लोग कंटूर लाइंस ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं सबमरीन कंटूर, फेदम्स या बैथोमेट्रिक कर्व्स। अब हम देखते हैं कि कंटूर इंटरवल क्या होता है। कंटूर इंटरवल, अभी हमने देखा कि कंटूर लाइंस हमारे इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस होती हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कंटूर इंटरवल क्या होता है। कंटूर इंटरवल होता है द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर लाइंस, कि दो समान क्रमागत कंटूर लाइंस के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं कंटूर इंटरवल। अब यहाँ मैं एक फिगर बना रहा हूँ, इस पर देखिएगा। जैसे कि इस एलिवेशन को मिलाने वाली एक कंटूर लाइन है और एक इस एलिवेशन को मिलाने वाली कंटूर लाइन है। अब ये दोनों कंटूर लाइंस के बीच का जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये दोनों एक समान डिस्टेंस पे होंगी, और ये जो दोनों कंटूर लाइंस के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम कंटूर इंटरवल। ठीक, और जो कंटूर इंटरवल होता है वो जो हमारा मैप है या जो हम चीज़ें प्रेजेंट है हम लोग मैप पे ड्रॉ करते हैं, तो उस मैप को जो कंटूर इंटरवल की मदद से हम लोग काफ़ी अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं कि हमारा उस एलिवेशन में जो नेक्स्ट वाला एलिवेशन है और नीचे वाले एलिवेशन में कितना डिफरेंस है, इसको हम लोग कंटूर इंटरवल की मदद से बता सकते हैं। और कुछ स्पेशल केसेस में हम लोग वेरिएबल कंटूर इंटरवल का भी यूज़ करते हैं, पर हम लोग कोशिश करते हैं कि वेरिएबल कंटूर इंटरवल का यूज़ ना करना पड़े, क्योंकि ये जो हमारे जो अर्थ सरफेस है इसकी जो रिलेटिव पोजीशन है ये उसको जो है बिल्कुल ढंग से ड्रॉ नहीं करती है, उसको उसकी जो स्टीपनेस है या जो उसकी सापेक्षिक स्थिति है या ढलान है उसको उसका हमें ये फॉल्ट इंडिकेशन देती है, यानी कि गलत आभास देता है, इसलिए हम लोग वेरिएबल कंटूर इंटरवल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। और जनरली जो हम लोग कंटूर इंटरवल यूज़ करते हैं वो हमारा होता है 1 मीटर से 15 मीटर के बीच का जो हम कंटूर इंटरवल लेते हैं, यानी कि जैसे कि देखिए कि ये जैसे कोई हिल है तो इसमें जो ये दो कंटूर लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है ये मिनिमम होगी हमारी 1 मीटर और मैक्सिमम हमारी होगी 15 मीटर, इससे ना कम ना इससे ज़्यादा, जनरली इतना ही हम लोग लेते हैं। और जितना ज़्यादा हमारा कंटूर इंटरवल स्मॉल होगा, यानी कि जो हमारे ये कंटूर इंटरवल जैसे ये हमने ड्रॉ किया, तो ये जो अगर लाइंस हमारी ज़्यादा पास पास होंगी यानी कि नज़दीक कंटूर इंटरवल हमारा कम होगा, तो हम लोग उस जगह की या उस अर्थ सरफेस की लोकेशन को बहुत ही अच्छे से अपने मैप पे ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि उस जगह के जो ज़्यादा डिटेल में हम उस जगह को जो है बता सकते हैं कि इस जगह पे क्या-क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। अब आगे देखते हैं कि हमारे ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये 100 फीट, 75 फीट, 50 फीट और 25 फीट, और नीचे है आपका सी लेवल। अब यहाँ से समुद्र तल से ये ऊंचाई आपकी दिखाई दे रही है। अब ये हर एक एलिवेशन के बीच में आपका एक समान डिफरेंस दिख रहा है, ये एक समान डिफरेंस क्या बता रहा है कि ये कंटूर इंटरवल। अब इस फिगर में आपका कंटूर इंटरवल कितना होगा, इस फिगर में आपका कंटूर इंटरवल होगा 25 फीट, क्योंकि हर एक एलिवेशन में है या हर एक कंटूर लाइन में हमारा 25 फीट
फिट का ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारा कंटूर इंटरवल हो जाएगा 25 फीट। अब इस तरीके से हम लोग कंटूर इंटरवल की मदद से और इस तरह से हम कंटूर लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया और इसको हम लोग शीट पे इन कंटू इस तरीके से कंटूर लाइन के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग कंटूर इंटरवल, कुछ कारक होते हैं जो हमारे कंटूर इंटरवल को अफेक्ट करते हैं, जिनकी मतलब जिन पे हमारा कंटूर इंटरवल डिपेंड करता है, जिनके चेंज करने से या जिन पे हम कोई अगर बदलाव करें तो हमारा कंटूर इंटरवल चेंज हो सकता है। तो उसमें मेन 5 हमारे फैक्टर्स हैं, जिसमें है पहला हमारा स्केल ऑफ मैप, यानी कि मानचित्र का पैमाना। अब ये स्केल कैसे है, जैसे आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा होगा कि मान लो हमारी एक सड़क है, वो एक्चुअल में 10 किलोमीटर लंबी है, 10 किलोमीटर लंबी सड़क है। अगर इसको हमको शीट पे यानी कि अपने मैप में ड्रॉ करना हो तो हम 10 किलोमीटर लंबा पेपर तो यूज़ करेंगे नहीं, तो इसके लिए हम लोग इसको छोटा करते हैं। अब इसको छोटा कैसे करते हैं कि मान लिया हम लोग मान लेते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसको हम लोग इस तरीके से 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 किलोमीटर इस तरीके से हम लोग स्केल में इसको डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग इस जो डिस्टेंस है यानी कि जो ये लोकेशन है इसको आसानी से अपने जो मैप है उस पर ड्रॉ कर सकें, ठीक। तो इस पहला फैक्टर हो गया हमारा स्केल ऑफ मैप, यानी कि मानचित्र का पैमाना, और दूसरा है पर्पस ऑफ मैप कि मानचित्र को बनाने का उद्देश्य क्या है हमारा, और नेचर ऑफ ग्राउंड कि जहाँ पे हम लोग ये सर्वेइंग या कंटूरिंग कर रहे हैं तो उस जो जो सरफेस है या जो ग्राउंड है उसका नेचर कैसा है, यानी कि नेचर प्रकृति कैसी है, कि वो कितना ऊंचा है कितना नीचा है, ये सब चीज़ें वहाँ पे या वहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, इन सब के बारे में हम लोगों को पता चलता है इससे, ठीक। उसके बाद है हमारा टाइम, कि हमारे पास ये कंटूरिंग करने के लिए कितना समय है और कितना फंड है, यानी कि कितना हमारे पास अब पैसा है ये सारा वर्क करने के लिए, ठीक। अब डिटेल में देखते हैं एक एक टॉपिक एक एक को। तो सबसे पहला है हमारा स्केल ऑफ मैप, कि यदि हमारा जो पैमाना है वो छोटा होगा तो जो समोच्च अंतराल है वो बड़ा रखा रह जाएगा, मतलब कि अगर हमारा स्केल ऑफ मैप जो है वो हमारा छोटा होगा तो जो कंटूर इंटरवल है वो हमारा लार्ज होगा, जिससे कि जो कंटूर लाइंस की जो क्वांटिटी है ज़्यादा ना हो सके, ज़्यादा संख्या में कंटूर लाइंस हो जाएंगी तो जो एक तरीके से ओवर क्राउडिंग हो जाएगी कंटूर्स की, ठीक। और यदि मानचित्र का पैमाना हमारा बड़ा है, यानी कि पैमाना हम लोग स्केल हमारा जो है हमारा बड़ा है तो हम कंटूर इंटरवल को छोटा रखेंगे, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से डिटेल में शो कर सके अपने मैप में, ठीक। अब पर्पस ऑफ मैप, कि हमारा उस जो मैप को ड्रॉ करना करने का हमारा पर्पस क्या है, कि हम उसमें जो चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में दिखाना चाहते हैं तो कंटूर इंटरवल हमारा कम हो जाएगा, यानी कि कम छोटा कंटूर इंटरवल लिखेंगे, और यदि हम लोग उस जो मैप में ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में नहीं दिखाना चाहते हैं, यानी कि हम खाली ओवरव्यू लेना चाहते हैं उस जगह का, उस लोकेशन का, तो उस अर्थ सरफेस का, तो हम लोग कंटूर इंटरवल को बड़ा रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ ग्राउंड, कि हमारा ग्राउंड का नेचर कैसा है, यानी कि मान लो कि अगर कोई फ्लैट ग्राउंड है यानी कि समतल ज़मीन है तो कंटूर इंटरवल हमारा छोटा हो जाएगा, कि जैसे अब ये एक मिनट ये एक हिल है तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, कि जो ग्राउंड है वो हमारा समतल नहीं है, काफ़ी ऊंचा नीचा है, तो कंटूर इंटरवल हमारा बड़ा रहेगा, ठीक।
और इसकी जगह अगर जैसे कोई प्लेन एरिया है, तो इसमें जैसे एलिवेशन जो हमारा नीचे से जो प्लेन सरफेस से जो एलिवेशन है, ये ऊंचाई नीचाई ऊंचा नीचा है, ये जो बहुत कम है, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग कंटूर इंटरवल भी कम लेते हैं। और जहाँ पे जैसे कि स्टीप, मैंने बताया कि अगर कोई हिल है तो वहाँ पे हम लोग कंटूर इंटरवल को बढ़ा लेते हैं, यानी कि लार्ज कंटूर इंटरवल लेते हैं। और टाइम की अगर हमारे पास समय कम है तो कंटूर इंटरवल ज़्यादा होगा, और समय ज़्यादा है तो ज़्यादा डिटेल में हम लोग सर्वे करेंगे, या ज़्यादा तो डिटेल में हम लोग उस जगह की लोकेशन को ड्रॉ करेंगे और कंटूर इंटरवल को छोटा रखेंगे। और अगर हमारे पास फंड कम है तो हम लोग कंटूर इंटरवल को बड़ा रखेंगे, और अगर हमारे पास फंड ज़्यादा है तो हम कंटूर इंटरवल को छोटा रखेंगे। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो हमारे कंटूर इंटरवल्स को अफेक्ट करते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर लाइंस, कि हमारे कंटूर लाइंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर लाइंस की, हमारे कंटूर लाइंस की क्या मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है ये है कि जो हमारी कंटूर लाइन होती हैं वो हमेशा इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स को ही मिलाने वाली एक लाइन होगी, ना कि जो अलग अलग एलिवेशन को, यानी कि समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन को ही हम लोग कंटूर लाइन बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि दो दो कंटूर लाइंस हमेशा, कभी भी दो कंटूर लाइन एक दूसरे को नहीं काटती हैं, सिवाय ओवरहैंगिंग क्लिफ या किसी केव, कोई केव हो, इन दोनों कंडीशन को छोड़ के हमारी कंटूर लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब हम आगे देख लेंगे फिगर के फॉर्म में कि कहाँ और कब ओवरहैंगिंग क्लिफ में एक कंटूर लाइंस एक दूसरे को काटती हैं और कब नहीं काटती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो कंटूर लाइंस होती हैं हमेशा एक क्लोज्ड कर्व के तरीके से होती हैं, यानी कि वो हमेशा एक जहाँ से स्टार्ट होंगी उसी जगह पे आके एंड होती हैं, क्लोज्ड कर्व होती हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्लोज हमारे उसी मैप में ही क्लोज हो जाए, या हो सकता है कि उसी मैप में हमारे जो हम मैप ड्रॉ कर रहे हैं उसी मैप में ये क्लोज हो, या कहीं मैप से बाहर भी ये क्लोज हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी उस जगह की टोपोग्राफी, यानी कि उस जगह की स्थलाकृति कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक, और समान दूरी वाली जो कंटूर लाइंस होती हैं वो, जैसे कि दो कंटूर लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर समान है तो वो रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म स्लोप को। ठीक, और दो कंटूर लाइंस वेल अपार्ट, जो अगर दो कंटूर लाइंस एक दूसरे से जो कोमल ढलान, यानी कि एक सॉफ्ट स्लोप में होती हैं, तो उसको बोलते हैं जेंटल स्लोप। ठीक, यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमेशा ये कंटूर लाइंस एक क्लोज्ड कर्व के तरीके से होती हैं, और ये क्लोज कर्व हमारा डिपेंड करता है कि उस जगह का स्थलाकृति कैसी है, यानी कि उस जगह की टोपोग्राफी कैसी है। यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ दिख रही होगी कि जो एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहीं से आपको फिगर से ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे जो भी कंटूर लाइंस होती हैं, अगर हम किसी भी हिल के लिए कंटूर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं कंटूर लाइंस की, वो अंदर जाते हुए उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है और बाहर आते हुए उसकी वैल्यू घट रही है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे देखिए फिगर में कि जो अंदर वाला सर्कल है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, और जैसे जैसे हमारा ये सर्कल बाहर आता जा रहा है इसकी वैल्यू हमारी जो है घटती चली जा रही है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, अब जैसे ये 750 की जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके टॉप की, जो हमारा हिल है इसके जो टॉप वाला पोर्शन है इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 700
इस जगह को। अब इस पॉइंट के जो चारों तरफ को जो मिलाने वाली एक समान ऊंचाई के जो पॉइंट्स हैं उनको मिलाने वाली जो लाइन होगी वो हमारी 700 की होगी। नेक्स्ट इसके बाद 650, 600, 550 और 500। तो इस तरीके से जो हम हिल के लिए यानी कि जो कोई भी पहाड़ हो या वैली हो, सॉरी पहाड़ हो या कोई स्टीप स्लोप हो, उसके लिए जो भी हम लोग कंटूर लाइंस ड्रॉ करते हैं उसकी वैल्यू हमेशा अंदर की तरफ जो सबसे छोटा सर्कल होगा उसमें बढ़ती है और बाहर की तरफ वैल्यू घटती चली जाती है। ठीक, इसी तरह यहाँ पे ये हिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हिलॉक को। और हिलॉक में डिफरेंस क्या है कि हिल में हमारा स्टीप स्लोप होता है, यहाँ जेंटल स्लोप है। ठीक, और ये प्लेटू यानी कि जो पठार आप लोग जानते होंगे, प्लेटू में क्या होता है जो इसका ऊपर वाला जो सरफेस होता है, ये जो जो प्लेन सरफेस, ये एक जैसे मेज की तरीके से होता है, जो मेज का तल जो होता है वो हमारा बिल्कुल प्लेन होता है, वैसे ही ये हमारा प्लेटू का भी जो ऊपर वाला जो सरफेस होगा वो हमारा बिल्कुल प्लेन होता है। ठीक, और जो प्लेटू होते हैं इसकी हाइट हमारे हिल से बहुत ही कम होती है अगर कंपेयर किया जाए तो। ठीक, तो यहाँ पे आपको तीनों फिगर में जो वैल्यूज दिख रही होंगी कि जो अंदर वाला सर्कल है उसकी वैल्यू ज़्यादा है और जो बाहर वाला सर्कल है जो उसकी वैल्यू हमारी कम है। तो ये भी एक हमारी कंटूर कैरेक्टरिस्टिक्स है कंटूरिंग की। यहाँ पे दिख रहा होगा कि उच्च मान के अंदर और कम मान के साथ निकट समोच्च का एक सेट एक पहाड़ी को इंगित करता है, और जबकि अवसाद यानी कि झील या वैली, अभी मैंने हिल के बारे में बताया, अब इसका अपोजिट कि अगर जैसे किसी भी जो वैली है यानी कि जो घाटी है उसमें क्या होता है कि एक मिनट कोई भी घाटी है जैसे मैं अभी समझाता हूँ, तो इसमें जो ये हमारा ग्राउंड लेवल है यानी कि ग्राउंड सरफेस है। ठीक, अब यहाँ से जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जा रहे हैं ये हमारा कंटूर इंटरवल है। अब यहाँ से जाने पर इसकी वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी, तो जो सर्कल होगा इसके लिए जो कंटूर इंटरवल हम ड्रॉ करते हैं इसमें हमारा जो बाहरी सर्कल होगा इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी कि मान लो हमारा 700 है तो इसकी 600 है और सबसे अंदर वाली की हमारी 500 है, ये कुछ भी हो सकती है वैल्यू, ये तो हम मैंने एक इमेजिनरी वैल्यू मान के रख ली। तो जो वैली होगी या कोई घाटी होगी या कोई झील होगी तो उसके केस में हमारा जो कंटूर लाइंस की वैल्यूज होती हैं यानी कि जो मान होता है ये जो अंदर वाला सर्कल होगा उसमें कम होता है, और जो बाहरी सर्कल होता है जो सबसे बाहरी सर्कल होगा अंदर से बाहर की तरफ जाते समय हमारी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ठीक, और हिल के केस में बाहर से अंदर की तरफ हमारी वैल्यू बढ़ती है, इसको याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा कि जैसे ये डिप्रेशन है या वैली है तो जो भी वैल्यूज हैं वो बाहर की तरफ हमारी बढ़ रही हैं और अंदर की तरफ हमारी घट रही हैं। ठीक, अब ये ओवर हैंगिंग क्लिफ, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि कंटूर लाइंस, दो कंटूर लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, केवल ओवर हैंगिंग क्लिफ के केस में कंटूर लाइंस एक दूसरे को काटती हैं। तो ओवर हैंगिंग क्लिफ ये हमारी है कि यानी कि जो केव यानी कि कोई गुफा टाइप की होती है उस जगह, उन केस में ये देखिए आपके यहाँ पे दो कंटूर लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं, और यहाँ पे कहीं पे भी आप लोगों को दो कंटूर लाइंस एक दूसरे को नहीं काट रही क्योंकि वो एक समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाती हैं तो वो काटने का कोई चांस नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे ओवर हैंगिंग क्लिफ के केस में ये एक दूसरे को काट सकती हैं। अब जो इरेगुलर कंटूर्स रिप्रेजेंट अनइवन ग्राउंड सरफेस की, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि अगर दो कंटूर लाइंस के बीच में जो डिफरेंस है
वो क्या अगर समान डिफरेंस है, जैसे कि ये कंटूर लाइंस हैं और इन सारी कंटूर लाइंस का जो डिफरेंस है एक यानी कि कंटूर इंटरवल एक समान है, तो वो रिप्रेजेंट करता है इवन सरफेस यानी कि समतल मैदान को। और अगर ये डिफरेंस इस तरीके से हो यहाँ पे पास और फिर एकदम से ज़्यादा फिर और कम, इस तरीके से कुछ जो एक समान ना हो इरेगुलर हो, तो इस तरह के सरफेस रिप्रेजेंट करता है अनइवन यानी कि असमतल, असमतल जमीन को या अर्थ जो हमारा अर्थ सरफेस है वहाँ पे उसमें डिफरेंस एलिवेशन में काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटीज है। नेक्स्ट है टू कंटूर लाइंस हैविंग सेम एलिवेशन कैन नॉट यूनाइट एंड कंटिन्यू एज वन लाइन, कि जो मैंने शुरुआत में बताया कि जो अगर दो कंटूर लाइंस के बीच का जो एलिवेशन है अगर समान है तो वो कभी आपस में आके जुड़ेंगी नहीं, एक कंटिन्यू लाइन की तरीके से रहेंगी, वन लाइन की तरीके से रहेंगी। तो ये थे हमारे कंटूर इंटरवल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स।